भारत रत्न सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार शाम को यहां आर्मी आरआर अस्पताल में निधन हो गया। उनके पुत्र अभिजीत ने ये जानकारी दी। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी 84 वर्ष के थे। मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। देश के सभी बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें रूस का सच्चा दोस्त बताया। रूसी दूतावास के अनुसार पुतिन ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश भेजकर प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रणब मुखर्जी ने अपने हमवतन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों का सम्मान हासिल किया। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी रूस के सच्चे दोस्त थे, जिन्होंने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण व्यक्तिगत योगदान दिया। अपने संदेश में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि प्रणब मुखर्जी के परिवार वालों और भारत के सभी नागरिकों के लिए संबल की प्रार्थना। 84 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पिछले काफी दिनों से दिल्ली स्थित आरआर हॉस्पिटल में भर्ती थे। रविवार से ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, हालांकि वो पहले से ही डीप कोमा और वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। सोमवार की सुबह ही डॉक्टर्स ने बताया कि प्रणब मुखर्जी के फेफड़ों में संक्रमण की वजह से उन्हें सेप्टिक शॉक लगा है, जिसके बाद उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। पूर्व राष्ट्रपति को कोरोना से संक्रमित होने के बाद 10 अगस्त को दिल्ली स्थित आरआर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।